सो माय द्विजा इज हियर विद अ न्यू फेसबुक लाइव. आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं. सी देयर वाज वन ऑफ द कपल जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा दैट मुझे अगर मेरे बच्चे को वैल्यू बेस्ड जीना सिखाना है तो हाउ आई कैन डू इट. ये क्वेश्चन जिस कपल ने पूछा, दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड अराउंड 5th month ऑफ प्रेगनेंसी. तो मैं एक्चुअली उनको जो जवाब दिया वो जवाब फेसबुक लाइव पे शेयर करना चाहती हूँ. देयर आर 3 ways बाई विच यू कैन मेक श्योर दैट आपका बच्चा वैल्यू बेस्ड जिंदगी जिए. वैल्यू बेस्ड मतलब क्या, जिसको हम लोग रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं एक संस्कारी होना. सी एवरीथिंग हैज गॉट अ डिफरेंट व्यूज. किसी के लिए संस्कारी बच्चा वो होता है जो ऑनेस्ट हो, किसी के लिए संस्कारी बच्चा वो होता है जो सबको रिस्पेक्ट करे, किसी के लिए संस्कारी बच्चा वो होता है जो खुद का खुद समझ के जिए. जो सही है वो मैं करूँगा, जो सही नहीं है वो मैं नहीं करूँगा. सो डिपेंड्स आप किस चीज़ को संस्कारी समझते हो, वी कैन एक्चुअली गो अहेड थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स. बट इससे इस सब चीज़ों का हम लोग शुरुआत कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, मेक श्योर बच्चा जो भी चीज़ें पढ़ता है या बाहर से जो भी इनपुट आता है जिस पे आपका कंट्रोल है, इट शुड बी उनके एज ग्रुप के हिसाब से उनको समझ में आए ऐसी चीज़ें यूज करो. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बच्चे को कोई बुक रीड करने के लिए दे रहे हो, दैट बुक शुड बी उनके एज के हिसाब से उनमें वैल्यूज इम्बाइब करे वैसा होना चाहिए. क्या हर बुक वैसा होना चाहिए क्या? नो, नॉट लाइक दैट. प्रॉब्ली एवरी डे एक छोटा सा मॉरल स्टोरी या एक छोटा सा मैथोलॉजिकल स्टोरी, दैट्स मोर देन इनफ. एज अ पेरेंट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बड़ी वाली बच्ची जो पढ़ती है उसको समझ में आता है, छोटी वाली जो बच्ची पढ़ती है उसको कुछ समझ में नहीं आता. वो बुक लेती है, धप 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 पूरा बुक 2 मिनट में ख़त्म करती है और बोलती है मम्मा बुक पढ़ के हो गया. एक्चुअली शी इज़ नॉट रीडिंग एनीथिंग. बट एज अ पेरेंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग बैठ के उनसे पूछे, आपने जो भी पढ़ा उससे आपको क्या समझ में आया. सो दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उन्होंने कुछ समझा है या नहीं समझा है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. अगर कुछ भी इनपुट दे सकते हो, इट कैन बी अ यूट्यूब वीडियो, इट कैन बी अ स्पीकर, स्पीकर मतलब किसी लाइव स्पीकर को अगर आपका बच्चा सुनता है, इट कैन बी अ बुक. सी टू इट दैट हर दिन में एटलीस्ट एक नया इनपुट जाए जो उनके वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम करता है. द सेकेंड एस्पेक्ट विच विल एक्चुअली हेल्प इज दैट, ये बहुत जनरेशन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं. इररिस्पेक्टिव ऑफ बच्चे पेरेंट्स से बहुत अलग भी होते हैं, बट देर विल बी फ्यू क्वालिटीज जो बच्चे पेरेंट्स को देख के सीखेंगे. सी वो एक या दो क्वालिटी पिकअप करो जो आपको आपके बच्चे में चाहिए एंड बी अ एग्जाम्पल फॉर दैट. जैसे अगर आप एज अ पेरेंट झूठ बोलते हो छोटी बातों के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप बच्चों को सिखाओ कि सच बोलना है. सो वी ऑल हैव टू वर्क ऑन इट ताकि हम लोग एज अ एग्जाम्पल जिए. एज सिंपल एज अगर आपको बच्चे को सिखाना है, गलती होने के बाद उन्होंने सॉरी बोलना चाहिए, और अगर किसी ने आपको हेल्प किया है तो थैंक यू बोलना चाहिए. इवन दिस उनको आप में दिखाई देना चाहिए. हर बार बोल के चलो सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो, नहीं होता है. सो दे शुड सी यू एन नंबर ऑफ टाइम. एज सिंपल एज अगर मैंने उनको किसी चीज़ के लिए डांटा एंड आई फील थोड़ा सा टू मच हो गया आज के लिए, आई विल मेक श्योर कि मैं उनको जाके सॉरी बोलूँ. सॉरी बच्चा, मैंने आपको डांटा, थोड़ा सा कम वर्ड्स में या प्रॉपरली में एक्सप्लेन कर सकती थी. थर्ड पार्ट ऑफ द होल थिंग, ये क्वेश्चन जिस कपल ने मुझे पूछा उस कपल को मैंने बताया था, बिकॉज दैट कपल वॉज एक्सपेक्टिंग, हर वो चीज़ करो जो आपको समझ में आता है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बच्चों को वो चीज़ें एक्सप्लेन करो जो चीज़ें उनके समझ में आती है उनके एज ग्रुप के लिए. सो ऑन अ डे टू डे बेसिस अगर आप लोग कोई चीज़ बाहर देख रहे हो, जैसे कोई बेगर आके आपके कार के विंडो के ऊपर भीख मांग रहा है, जैसे आपने किसी डिसेबल्ड इंसान को देखा, किसी का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी के पाँव में कोई डिसेबिलिटी है, और आपके बच्चे को एक्चुअली आपको बीइंग हम्बल सिखाना है, बीइंग पोलाइट सिखाना है, बीइंग केयरिंग सिखाना है, ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है जो नेचर, भगवान, सराउंडिंग आपको ऑफर करता है. तो आपको उन चीज़ों को एज एन एग्जाम्पल रख के ये चीज़ें बच्चों को वैसे समझानी है जैसे बच्चों को समझ में आए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, उस दिन मेरी बच्ची ने मुझे पूछा,
मम्मा साइड के तीन कार वालों ने उस बेगर को पैसे दिए, आप अकेले क्यों पैसे नहीं देते हो? सो जस्ट एक्सप्लेन अर समथिंग सो सिंपल. बच्चा उसके हार्ट ठीक है, पाँव ठीक है, वो इंसान ठीक है, एंड द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसका अगर किसी ऑर्गेन में प्रॉब्लम है, स्टिल दे कैन वर्क एंड अर्न. बट इस इंसान ने ये शॉर्टकट का रास्ता तरीका है कि मैं बैग कर लूँ, मैं बहुत ईजिली पैसे ले लूँ, एंड वी एक्चुअली डोंट नो कि वो बंदा उस पैसों के साथ करेगा क्या. दैट्स वाई हम लोग बेगर को पैसे नहीं देते. अगर आपको जेन्युइनली किसी को हेल्प करना है, तो आपके पास अगर कुछ खाने की चीज़ है, जैसे आपके पास चीकू है बैग में, आप वो चीकू उठा कर उनको दे दो, प्रॉब्ली दे विल फील हैप्पी ईटिंग दैट. सो वी डिस्कस्ड अबाउट थ्री थिंग्स. बच्चे में वैल्यू इम्बाइब करने के लिए द फर्स्ट थिंग द एक्सटर्नल इनपुट्स जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है एज अ पेरेंट, मेक श्योर दे वो सारी चीज़ें उनके एज के लिए बहुत प्रॉपर हो. द सेकेंड थिंग एज एन पेरेंट बी एज एन एग्जाम्पल. सी 24/7 आप लोग अटेंशन में नहीं जी सकते, कभी ना कभी आवाज़ चढ़ेगा, कभी ना कभी डांटोगे, बट मेक श्योर दैट 24/7 एटलीस्ट पिकअप दोज टू वैल्यूज वेर यू विल लिव एज एन एग्जाम्पल. एंड थर्ड थिंग, सराउंडिंग में जो चीज़ें दिखाई देती है जिसको यूज करके आपको आपके बच्चे को कुछ सिखाना है, उस चीज़ों को बहुत प्रॉपरली उनके एज के हिसाब से उनको एक्सप्लेन करो. एंड इट बी सुपर डुपर, आई वॉन्ट से ईजी, बट सुपर डुपर अ कॉन्फिडेंट प्रोसीजर टू मेक श्योर दैट माई चाइल्ड विल लर्न एंड ग्रो अप होल्डिंग ऑन टू दिस टू वैल्यूज. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. कीप वॉचिंग फेसबुक लाइव एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.